आज मैंने बनाए हैं काबली चने। काबली चने बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है और सभी लोग बनाते हैं, तो मैंने किस तरह बनाया है और सिंपल ही बनाया है मैंने। ज़्यादा मतलब ठंड भी हो रही है तो उस चक्कर में मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक न्यू वीडियो लक्ष्मी ब्लॉगर। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी वीडियो ये वाली अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल घंटी ऑल क्लिक करना, ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से हम लोगों ने अच्छे से खाना नहीं बनाया है, तो आज हम दिन में मेरी बेटी, मैं और मेरा नवासा, हम दिन में अपने लिए काबली चना और चावल बना रहे हैं। मैं किस तरह बना रही हूँ रेसिपी मैंने पहले भी शेयर कर रखी है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने गैस चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा के और रिफाइंड ऑयल डाल दिया था, एक तेज पत्ता डाल दिया मैंने और दो लाल मिर्च डाली और जीरा डालूंगी। बाकी खड़े मसाले नहीं डालूंगी, क्योंकि खड़े मसालों का मैंने एक अलग से मिश्रण बना रखा है पहले ही, तो मैं वही डालूंगी इसमें। और अभी मैंने इसमें जीरा, तेज़पत्ता और लाल मिर्च डाल दी, थोड़ी सी हींग डाल दी। उसके बाद मैं लहसुन प्याज, ये प्याज डाल दूंगी। और साइड में मैंने चावल भी प्रेशर कुकर पे चढ़ा दिए हैं, क्योंकि काबली चना उबाल के मैंने भगोने में रख दिए हैं। तो यहाँ पे मैं मसाले बना रही हूँ, अभी प्याज भून रही हूँ। यहाँ पे चावल भी मेरे बन चुके हैं। और दोस्तों मेरे एक हाथ में दर्द भी हो रहा है, तो मैं एक ही हाथ से काम कर रही हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे। इसमें मैंने अभी मैंने लहसुन और अदरक और हरी मिर्च थोड़ा सा ईमानदस्ते में कूट रखा था, वो भी मैंने प्याज के ऊपर डाल दिया है ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए। दोस्तों आप लोग जानते हैं काफ़ी दिनों से हमारा खाना ऐसी सिंपल बन रहा था। अभी मैंने टमाटर जो मैंने कद्दूकस किए थे वो भी डाल दिए हैं, और मसाले जो मसालेदानी है मैंने मेरी बेटी ने पहले ही निकाल के मेरे सामने रख दिया था ताकि मुझे परेशानी ना हो। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ा हल्दी डाल दूँगी, क्योंकि वो टमाटर के साथ पक जाएंगे अच्छे से। और नमक और हल्दी पक गए थे टमाटर के साथ, तो अब मैं इसमें धनिया पाउडर डाल दूंगी। दोस्तों काफ़ी दिनों से मेरा ब्लॉग भी नहीं बन रहा है, बस ऐसे ही हो जा रहा मेरा, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब कभी बुखार आ रही कभी कुछ हो रहा है। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है। और अभी मैंने मसाले भून रही हूँ यहाँ पे। और मेरी बेटी भी आई है, तो मम्मी काफ़ी दिनों कह रही थी, मम्मी काफ़ी दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया गया, क्योंकि स्वाद नहीं आता है ना जब हम मतलब लहसुन प्याज वगैरह नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे मसाले भून दिए मैंने। और मसाले पक गए थे, तो यहाँ पे उसी ने भगोने में ये काबली चने डाले थे, और मैं मतलब उसने मेस भी कर दिए थे, मैंने वो पलट दिए कढ़ाई में। और फ्राई वो भी कर लेती, लेकिन मेरे पास वीडियो कुछ थी नहीं, तो मैंने कहा फ्राई मैं कर लेती हूँ एक हाथ से, और मेरी वीडियो भी बन जाएगी एक। तो यहाँ पे मैंने काबली चने डाल दिए, अब इनको मैं अच्छे से उबालने दूँगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया, जितना भी हमें सूप बनाना है वही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। और चावल के साथ तो सूप अच्छा होता है।
यहाँ पे काबली चने बन गए थे। इसमें मैंने आधी चम्मच गरम मसाले डाल दिए और मैं धनिया, मतलब जो मैंने हरा धनिया काट रखा था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और हमारे काबली चने बहुत ही अच्छे बन गए हैं। और ये तेज पत्ता है जो मैं निकाल दूँगी, अब इसको अलग रख दूँगी। इसने अपना, और दोस्तों काबली चने तैयार हो गए हैं, अब मैं सर्व कर रही हूँ। तो इस तरह बने थे काबली चने। आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना। और वीडियो पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी यही थी। यहाँ पे मैंने डोंगे में निकाल दिया, सर्व करने के लिए अच्छा हो जाता है। और इसमें मैं आप धनिया, जो मैंने बाकी धनिया बचा रखा था उसको डाल दूँगी। आज की वीडियो इतनी ही थी, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। बाय।